जशपुर जिले के पत्थल गांव में बारिश का पानी निकासी होने के कारण लंजिया पारा मोहल्ले में चार लोगों के घर धराशायी हो गए। यहां भारी बारिश के कारण निचले इलाके में रहने वाले कई घरों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। यहां इंजको और मदनपुर गांव में भी कटनी गुमला मुख्य सड़क का अधूरा कार्य के कारण अनेकों घरों में बारिश का पानी भर गया है। पत्थल गांव के लंजिया पारा में पानी निकासी होने से प्रकाश चौहान का घर देखते ही देखते धराशायी हो गया। इसके पहले तीन अन्य लोगों के घरों के आसपास पानी भर जाने से दीवार टूट गई थी और यहां रंजीत चौहान का कहना था कि यहां सड़क के किनारे नालियों के अभाव में तथा टूटी पुलिया से बारिश का पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में नगर पंचायत की लापरवाही से लगभग 100 घरों की बस्ती में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ऐसी लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, यहाँ भी एक बड़ा सवाल है। पानी कैसे घुस जाते हैं अभी बारिश में? लगातार बारिश होने के कारण में हमारे बस्ती में मतलब नाली वाली की निकासी की कोई साधन नहीं है और दो पुलिया है, दोनों पुलिया जाम होगी से जिकर वजह से पानी मतलब एक साइड में पूरा भर जाते हैं और पानी जो लगातार गिरा थे ना उसके कारण मतलब पूरा एक लाइन से 7-8 घर जितना भी है सबके घर में पानी घुस गई से हम दूसर के घर में रहना पड़ा थे। सरकार मतलब नगर पंचायत ला हम कई बार सूचना भी देहन, हमारे समस्या कोई समाधान नहीं होते। जब भी पानी उनी गिरते हम हमेशा परेशानी में फंस जाते हैं और जिकर वजह से हमारे घर उरमन भी धसक जाते टूट जाते हमला इस सब के बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं और हमला सरकार से उम्मीद है आशा है कि हमारे कोई सुनवाई करें और मुआवजा वजह जो घर टूटी सोकर हमला दे कोशिश करें। धन्यवाद। इसमें का नुकसान होते तुम्हारा? ना जी, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं रही, पानी की निकासी नहीं होते, ओकर चक्कर में घर मतलब ढा गई से मोर बड़ पापा के ओकर बाद तहाँ घर ना फैमिली रहीन पूरा हर कोई रहीन तो गलती से मतलब बच गई हर चीज़ है वो चक्कर में कोई मतलब यही नहीं हो पैसे तो देखिए महाराज तो कन गलती रही है सुनई उन्हीं करिया और पानी की निकासी हुआ करिया वो चीज़ बा अपन और नगर पंचायत में दे रहे हैं और पानी की निकासी जरूरी है हमारे गाँव में जरूरी है बहुत ज़्यादा निकासी में जरूरी है, पानी की निकासी ही नहीं होते हमारे यहाँ। तुम्हारे घर किसे टूटी से? हमारे घर नाली निकासी नहीं हो से महाराज और लगातार बारिश हुई से देकर चलते हमारे बड़ा मुश्किल से बचे हैं, 5-6 साथी रहें फैमिली रहें और बहुत दिन नगर पालिका में एक अगर थे देन तक कोई हमें सुनवाई नहीं होते और बड़ा मुश्किल से ना गरीब आदमी महाराज बचे हैं और हमारे सुनवाई चाहता था जनता से कि हमारे जो भी मतलब जनता सुन रहे और हमारे घर टूटे संविधान करे, बस यही चाहता महाराज। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट।